हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी हिना। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए मिक्स सैलेड। जी हाँ, इस सैलेड को बनाने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स लेंगे और हम इसमें क्यूकुम्बर भी ऐड करेंगे। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे फ़िलहाल मेरे पास अभी खीरा था, ककड़ी थी और मेरे पास रेड चेरीज़ नहीं थे। मेरे पास घर पे ब्लैक बेरीज थे, मैंने उसको यूज़ किया, मैंने ग्रेप्स को यूज़ किया। आप इसमें पाइनएप्पल काट के डाल सकते हैं, आप इसमें पपाया ऐड कर सकते हैं। पपाया मैंने ऐड नहीं किया, मुझे वो ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए आपको जो जो फ्रूट्स पसंद है आप इसमें वो काट के डाल सकते हैं। अगर आपके पास चने उबले हुए हैं आप इसको भी उसमें ऐड कर सकते हैं। आपके घर में जब गेस्ट आएँ आप अपने डाइनिंग टेबल पे इसको लगाइएगा, बिल्कुल आपके डाइनिंग टेबल की जो है बिल्कुल डाइनिंग टेबल में चार चांद लग जाएंगे। ठीक है, ये देखिए मैं इसको अब ककड़ी को ऐसे काट रही हूँ छोटे छोटे सेक्शन में। आप ऐसी काटिएगा, इसका शेप बहुत ही बढ़िया लगता है। ठीक है, और हाँ ये देखिए मैंने कीवी लिया है, मेरे पास कीवी थी तो मैंने इसको कीवी को पतले पतले स्लाइसेस में काट लिया है। आप पाइनएप्पल भी काट सकते हैं, आप वाटरमेलन भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो जो थोड़ा जूसी होता है ना ज़्यादा, तो अगर आप देर तक रखेंगे तो वो बड़ा सा मैसी हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको आप कोशिश करिएगा कि वाटरमेलन ना ऐड करें। ठीक है, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो जैसे आप बनाना ऐड कर देंगे तो काफ़ी टाइम तक रखेंगे तो वो काला पड़ जाता है ना, एप्पल भी काला पड़ जाता है, तो एप्पल और बनाना ये सब फ्रूट्स ऐड नहीं करिएगा इसमें। देखिए अब मैं इसमें पाइनएप्पल ऐड कर रही हूँ। देखिए इससे कितना खूबसूरत कलर आ रहा है, ये ब्लैकबेरीज, ग्रेप्स, एक्चुअली में सब ग्रीन ज़्यादा है ना, तो वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप इसमें कलरफुल और भी फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, ये देखिए। और हाँ, मेरा साइड में वो देखिए छोटू सा फ्लावर पॉट जो मैंने खुद बनाया है, आपको कैसा लगता है आप इसको ज़रूर बताइएगा मुझे। आजकल रमज़ान चल रहे हैं, आप इसमें भी उस वक्त भी रोज़ अफ्तार के टाइम पे ये सैलेड बनाएं, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और ये काफ़ी हेल्दी ऑप्शन भी है। ठीक है, अगर आपको मेरी ये मिक्स्ड सैलेड पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ सबके साथ शेयर कर सकते हैं और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़। चाट मसाला या काला नमक जो भी आपको पसंद है आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं।